बेलीपार थाना क्षेत्र के ग्राम चेरिया में रुपयों के लेन देन के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना बेलीपार पुलिस व क्षेत्राधिकारी बांस गांव ने मौके पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार बड़ी चेरिया गांव निवासी रामा चौधरी के दो पुत्र कमलेश 35 वर्ष व कृष्ण मोहन गाँव के ही विशाखापट्टनम में ठेकेदारी करने वाले संत राज यादव के पास मजदूरी का कार्य करते थे। इस दौरान कमलेश वो कृष्ण मोहन ने विशाखापट्टनम में अपनी मजदूरी का लगभग 2 लाख रुपये संतराज से मांगा, जिसको लेकर दोनों में विवाद हो गया और गुस्से में आकर उन लोगों ने युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी ने बताया कि रुपये के लेन देन में हत्या हुई है, जिसमें नामजद 6 लोगों में से एक को गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एसएसपी ने बताया। बाहर एक मामला रहा, 2 लाख रुपया रहा, कमाइले रहा लोग दोनों भाई, और मांगला हमें डिलीवरी भाई यही महीने 20 तारीख के, कहला कि पैसा कार्ड मांगला, कार्डवा फाड़ के फेंक दिया ला, बड़को के मरबो कैला, मेरे मोबाइल में वीडियो बा, आँख से ब्लड आई ला, सर से ब्लड आई ला, ऐसे वीडियो बा अला, तो वहाँ कहला कि आप चला घरे तू के हम बताए तो वही बाव कर बपवा, और आके यहीं जाकर मारी दियाला सास सुबेर हमारे मैया बहन कलिया आईला। क्या नाम है आपका? कविता। विशाखापट्टनम रहना बाबू 6 महीना से काम कर रहा था पेंट पॉलिश के, ओकरे बाद लड़की उनके औरत के दंड डलौरी रहा हुआ, 2 लाख रुपया चाहत रहा हुआ, हमार घर चुआ था ओकरे करती छावे करती ना, ओकरे डलौरी देखावे के बीमारी बीमारी भइल बा, तब भइल औरत उनपर वही करती पैसा मांगल, कहला कि रसीद देखा कितना बाप तोर पगार, रसीद देखावला रुपया ज्यादा निकल फाड़ के रसीद फेंक के मरल, मार के वहाँ बड़का लड़का के यहाँ आँखी फोड़ ले बा, भल के अच्छा चलत बब्बू देबे करी, यहाँ से फोन गई कि बाबू अब लड़की औरतिया तोरे टाइम अनक चा गई ला, कहीं आई ना हमार बचवा पैसो नहीं दिया ला, से कहीं आई ना ओकर बेटा ओकर बपवा वहाँ बा बेटा यहाँ मार दिया, सवेरे भइल हुआ हमार जयमंगला ना है। हमार राजा वही ना कमलेश नामक युवक की हत्या हो गई। कमलेश जो मृतक पक्ष और अभियुक्त पक्ष पूर्व से एक दूसरे से परिचित था, और जो मृतक पक्ष है ये इसको अभियुक्त पक्ष ही विशाखापट्टनम में नौकरी के लिए लेके गया था। अभियुक्त पक्ष जो है वहाँ ठेके का पेंटिंग इत्यादि का काम करता है, और इसी के बीच में दोनों के बीच में लेनदारी काफ़ी हो गई थी। मृतक पक्ष है उसका ये कहना है कि 1.5 से 2 लाख रुपए उसको लेना था,
कल ही वो वापस यहाँ पर पहुँचा था गोरखपुर, और उसके बाद आज दोनों के बीच में जो है पैसे लेन देन की बात हुई, जिसके अंदर उसको जो है गोली मारकर सुबह उसकी हत्या कर दी लेन देन के विवाद के अंदर। इसके अंदर 6 लोगों को उनके द्वारा नामजद किया गया है, मौके से 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, शेष 5 लोग जो रह गए हैं उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। उसके लिए टीम गठित है, एच पी दक्षिणी स्वयं इसका परिजन करते हुए अतिशीघ्र इसके लिए गिरफ्तार करा। पैसे का लेन देन किस तरह का? पैसे का लेन देन पेंटिंग का ठेके का विवाद था। ये ही अभी वर्ष को जो अभी वर्ष ही मृतक को जो है वहाँ पर लेके गया था, वहाँ पर उसे काम कराया था। उनका ये कहना था कि काम कराने के उसके बाद उनको पैसा नहीं दिया गया, और पैसे की जो अमाउंट है वो 1.5 से 2 लाख के बीच। तो जब ये वापस आए, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह एक ही गाँव के रहने वाले हैं, उनसे परिचित थे, यहाँ पर जब बातचीत हुई उसी के बीच में बात हुई।